मिड डे मील आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का न्यूनतम वेतन 26,000 निर्धारित करने और स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने सीटू के बैनर तले शिमला स्थित सांसद प्रतिभा सिंह के आवास हॉली लॉज में उनसे मुलाकात की और संबंधित मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। वहीं सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे देश भर में सीटू के बैनर तले सभी सांसदों को मांग पत्र सौंपा है, क्योंकि देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली मिड डे मील आंगनवाड़ी और आशा वर्कर की स्थिति काफी दयनीय हो गई है और सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील वर्कर का न्यूनतम वेतन 10,500 रुपए किया जाए, मिड डे मील योजना का किसी भी रूप में निजीकरण न किया जाए और मिड डे मील वर्कर्स को कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारे सीआईटी से जो संबंधित फेडरेशन है, जो आंगनवाड़ी की है, मिड डे मील की है, आशा की है, उनकी मांगों को लेकर जो है आज इस सांसद महोदया से मिले हैं, प्रतिभा सिंह जी से, और ये पूरे देश की कॉल है। आज जगह जगह जो है इस तरीके के ज्ञापन दिए जा रहे हैं सांसदों को, और मुद्दा यही है कि इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले स्कीम वर्कर जो है, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर, NHM के वर्कर, दूसरी स्कीमों के वर्कर, ये सारे लोग जो हैं आज भी इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी पीड़ित हैं ये लोग। 1 करोड़ से ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं, और नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के जो नारे हैं वो अपने आप में इसकी पोल खुल रही है। 3500 रुपये वेतन दिया जाता है मिड डे मील को, आंगनबाड़ी को 4700, 9000 है, आशा को भी 4700 है। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति को बयान कर रहा है। हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ 10,500 न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं मिल पा रहा है, ना आंगनबाड़ी को मिल रहा है, ना आशा को मिल रहा है, ना मिड डे मील को मिल रहा है, पूरे देश की भी यही स्थिति है। मैं अभी तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचे ही नहीं है इस मांग को लेकर, अभी तो हम सांसद के पास पहुंचे। हाँ, हम जाएंगे जरूर उनके पास और उनसे मांग करेंगे कि जब जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हमसे बेहतर, उत्तराखंड तो हमसे बाद में बना ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल रही है मिड डे मील को और दूसरे लोगों को, तो जब उन जगह मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है। हम ये बातें हमने पुरानी कांग्रेस सरकारों से भी उठाई है। स्टेट का भी आना है तो स्टेट के में हमें उम्मीद है कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हैं तो नज़र तो तब आएगा बजट में, जब अगर जो वो इजाफा करेंगे मिड डे मील आंगनबाड़ी और आशा के वेतन में और दूसरी सुविधाओं में, तो निश्चित तौर से नजर आएगा। नहीं अगर करेंगे तो फिर जो है बिल्कुल वैसी स्थिति रहेगी और उसके लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। बात काफ़ी इत्मीनान से उन्होंने सुनी है हमारी और समझने की कोशिश भी की और डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है वो भी मांगे, नक्शेज भी मांगे, और हमें लग रहा है कि जब इस लेवल पर उन्होंने बातचीत की तो मतलब औपचारिकता नहीं की है, तो निश्चित तौर से वो गंभीर हैं इस विषय पर। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने आश्वासन दिया कि यूनियन की मांगों को संसद के बजट सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। ये कुछ काफी लंबे अरसे से निलंबित है, इन्होंने पिछले सांसद से भी अपील की पर उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया गया। तो ये उम्मीद करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि आप इसको विधानसभा में, कुछ इनका इशू है कि भाई हमारे को पक्का किया जाए, वो मिड डे वर्कर है, आशा वर्कर्स है, इन सभी के विषयों को केंद्र सरकार से उठाने की मांग इन्होंने की है, और जैसा और स्टेट्स में भी लागू है तो हिमाचल क्यों ना उसमें शामिल किया जाए, कुछ इस तरीके की बात भी इन्होंने की है। तो मैंने इनसे यही आग्रह किया कि आप विद डॉक्यूमेंट्स, विद पेपर्स अगर मुझे वो कागज देंगे तो हम रिटन तौर पे भी संबंधित मंत्री केंद्र सरकार के उनसे भी बात करूंगी, और जहां तक विधानसभा में उठाने की बात है उसके बारे में भी मैं अवश्य चर्चा करूँ। देखिए, दिस इज नॉट कंसर्न्ड विद द स्टेट, दिस इज कंसर्न्ड विद द सेंटर। ये सेंटर की स्कीम्स है तो सेंटर से ही उठाना पड़ेगा ना। अब यहाँ हम बोल देंगे जी हम कर देंगे, वो तो सेंटर गवर्नमेंट ही इस बात को कर पाएगी। तो मैंने इनको कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स लिख के दें, प्रॉपर फाइल बना के दें, ताकि मैं वहाँ पर उसको कंसर्न्ड मिनिस्टर से भी उठा सकूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में भी इस आवाज़ को उठाऊंगी।